मैडम सर वो टोपा आदमी एक नंबर का डरपोक है। हम इतने डरपोक से मिले पर नमन जैसा डरपोक से नहीं मिले। उसने एक ही रट लगाया है कि अगर उसने अपना दिल का बात कह दिया तो मिश्री जो है वो उससे दोस्ती तोड़ देगी। हमको लग रहा है कि हमें उसको अपना भौकाल दिखाना पड़ेगा। करिश्मा सिंह प्लीज, आप अपने भौकाल दिखाने के चक्कर में कोई गलती मत कर दीजिएगा। ये मत भूलिए कि ये बुलबुल पांडे का केस है, हमारा केस नहीं है। और अगर उसे भनक भी पड़ गई ना तो हमारे लिए चीता को बेगुनाह साबित करना और भी मुश्किल हो जाएगा। मगर मैडम सर फिर हमें उसका कन्फेशन कैसे मिलेगा? कॉन्फिडेंस से, वो कॉन्फिडेंस जो नमन खो चुका है अपने गंजेपन की वजह से। एक बार वो हो जाए कि फिर वो कन्फेस भी कर देगा। मैडम सर एक मिनट, कॉन्फिडेंस के बाद कन्फेशन कैसे आएगा हम समझ नहीं पा रहे हैं। मेरे पास एक आइडिया है। बताइए। मैडम सर जो कॉन्फिडेंस उनका बाल जाने से गया है वो कॉन्फिडेंस बाल वापस आने से आएगा। हाँ संतु, लेकिन वो बाल है, समोसे कचोरी नहीं है ना कि ऑर्डर किया और आ गए। वैसे भी उसने कुछ कुछ लगाया था अपने सर पर लेकिन उसका बाल नहीं आ रहा है। लेकिन मेरा आइडिया काम करेगा, बल्कि मेरा आइडिया काम करना शुरू भी कर चुका है। हाँ हाँ, नमन का गंजापन दूर करने के लिए मैंने एक बेहतरीन तरकीब बताई है उसको। उसका गंजापन मतलब दूर हो जाएगा और हफ्ते भर में उसके बाल वापस आ जाएंगे। अच्छा, और क्या है ये, जरा हमें भी तो बताओ। यहाँ आइए बताता हूँ। बंद करो बंद करो, क्या है ये? ये बाल उगाऊ गोबर है, इससे लगा डाला तो बाल घना घुंघर राला। नमन ये बाल उगाऊ गोबर लगा रहा है, उसको और एक डिब्बा देने जा रहा हूँ। बिल्ले हम भी चलेंगे साथ में। हाँ तो चलो। करिश्मा सिंह जी, आपकी और नमन की इस मुलाकात के बारे में बुलबुल पांडे को जरा सा भी इल्म नहीं होना चाहिए। जी मैडम सर। चलो बिल्ली। हमा कोई है? इतना सन्नाटा का है आज? हाँ एकदम खाली खाली क्यों है? मतलब उस दिन तो एकदम भरा पड़ा था, कस्टमर आ रहे थे जा रहे थे, खाना खा रहे थे पी रहे थे, आज एकदम खाली खाली ये देखो आ गए। बिल्लू जी आपने हमारे इतने सालों की मेहनत पर गोबर फेर दिया। हम कितनी बार भी नहाए हमारे शरीर से गोबर की बदबू जा ही नहीं रही, और कस्टमर तो बाहर ही से भाग जाता है गोबर की बदबू सूंघ के। उसको लगता है कि हमने रेस्टोरेंट नहीं तबेला खोल लिया है, और तो और पूरा स्टाफ ही छुट्टी पे चला गया। देखो नो टेंशन, अभी हमने आपके लिए ताजा ताजा गोबर मंगाया है। मतलब जैसे भैंस ने छोड़ा वैसे ही मैंने जमीन पर लगने से पहले लपक लिया, तो ये ताजा ताजा है, लगा लो। देखो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ले लो। बिल्लू जी प्लीज डोंट माइंड, हमें ये आपका गोबर नहीं चाहिए। ये मेरा गोबर नहीं है, भैंस का गोबर है। अरे यार अब जो भी हो भैंस को हमें नहीं चाहिए। हम अजीब तो बात नहीं हो तुम। देखो ऐसा है, जज्बात से समझा रहे समझ लो, वरना चुप रहो, वरना हमारा डिपार्टमेंट अलग है, हमारा डिपार्टमेंट सिर्फ घूसे और लात का है, समझ रहे हो? का नमन नमन उजड़ा चमन। ए बुलबुल। हां बुलबुल क्या हुआ? हमारी मनहूस आदमी यहां क्या कर रहा है? बिल्ले कहां छुपा है? छुपो नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। बिल्ले कहां छुपी? ये इधर देख। वाह बहुत बढ़िया बना। अब गुजर रहे थे यहाँ से तो सोचा कि तुम्हारा रेस्टोरेंट का डिश जरा सा चख ले। नाश्ता वास्ता कर ले भाई। नाश्ता नहीं, फ्री का नाश्ता। काहे कि फुकट का नाश्ता ठूसने का आदत है इस निकम्मे को। ना मतलब तुम अगर हमारी जगह होते तो ऐसा कहते। जी बिल्कुल सर। अच्छा वो सब छोड़ो, हमें ये बताओ तुम महिला पुलिस थाने वाले तुम पर कोनो प्रेशर प्रेशर तो नहीं डाल रहे? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। और वो करिश्मा सिंह वो तुम पे कोनो दबाव तो नहीं डाल रही? बिल्कुल भी नहीं। बहुत अच्छा, अगर डाले तो हमको बता देना। ये ऑर्डर है सर का? अरे ऑर्डर ऑर्डर नहीं, ऑर्डर तो हम आप दूंगा। कहे कि चार पनीर पराठा ले लो, चार पनीर कोफ्ता ले लो, चिकन मसाला, चिकन करी, चिकन फ्राई और चार पांच तंदूरी डाल दो उसमें। इसका नाम बुलबुल नहीं बुल होना चाहिए। कितना ऑर्डर कर रहा है, ऐसा लगता है रात भर यही बैठे रहेगा। हम भी अपना ऑर्डर करें क्या? भेजा फ्राई। अब इसके लिए भेजा फ्राई बोल दे। ठीक है सर। Thank you.
एसी नहीं डलवाया का? क्या किया बे? हम काहे के लिए करेंगे, तो आप ही का बास लग रहा है। इका है पालक पर। अरे हाय। अरे वो सर हमारे बाल नहीं है ना, तो हम गोबर लगाते हैं सुबह शाम, तो उसी से बदबू आ रहा होगा। गोबर है? हमको लगा कि पालक पनीर है। ससुरा हम सूंघ लिए तो हमारा बाल आए ना आए, इससे हमारा मूड ससुरा एकदम खराब हुई गवा है। खाने का मूड नहीं है हमारा। अभी ऑर्डर दिए हैं, आ जाएगा तो गुस्सा सही हो जाएगा आपका। अरे नहीं, ऑर्डर कैंसिल करो भाई। अरे ऑर्डर काहे कैंसिल करना है? आप थाने में जाके खाएंगे। क्या खाएगा? गोबर। गोबर काहे खाएंगे भैया, आप जो पार्सल लेंगे वो खाएंगे। भाई लेके आओ, जल्दी करो। चलिए, गोबर का पास और इसके पसीने का पास एक ही है। क्या बोला? ये लीजिए आपका गोबर, और दोबारा यहाँ मत आइएगा प्लीज। हम आपके साथ कोई कोऑपरेट नहीं कर पाएंगे अब। ओके, ठीक है। मेरे पास ना दूसरा आइडिया है, वो मेंढक का पसीना और चींटी की थूक मिलाकर आप लगा लीजिए, बाल आ जाएंगे। अरे हमें नहीं चाहिए आपका मेंढक का पसीना और चींटी की थूक, रखिए अपने पास। एक मिनट, अब हमने जो चीज ठान ली है वो पूरी होकर ही रहेगी, हम पीछे नहीं हटेंगे। कन्फेस तो तुम्हें करना होगा। देखिए हम कोई कन्फेस नहीं करेंगे, हम बता रहे हैं। कॉक्स जो है वो तुम कैसे भूल सकते हो? हमरा चश्मा लेके आ जा। तो हमरा शक जो है वो सही निकला है, अभी भी तुम लोग इसके साथ में जबरदस्ती कर रहे। बहुत मोटा चमड़ी है हसीना जी का, देख लेना क्या करते हैं हम महिला पुलिस थाने के साथ। गौर से देखिए इस दरिंदे को, यह सिर्फ नाम से ही नहीं हरकतों से भी चीता है। शिकार करता है मासूम सी लड़कियों के दिल का और फिर उसे तोड़ता है। लड़की जब मिलने के लिए बुलाती है तो अकाउंट डिलीट कर देता है। और ये हमारे वो जाबाज ऑफिसर है जिसने अपने जान की बाजी लगाकर इस दरिंदे को पकड़ा है। तो बुलबुल पांडे जी, कैसा लग रहा है आपको इस दरिंदे को पकड़ के? हमको बहुत बुरा लग रहा है कि एक पुलिस वाला होकर हमें एक पुलिस वाले को पकड़ना पड़ रहा है। बहुत बुरा लग रहा है हमें, लेकिन हम हमारे फर्ज के आगे कुछ नहीं देखते। हम महिला पुलिस थाने वाले ऑफिसर की तरह नहीं है कि एक मुजरिम का बचाव करे और एक बेगुनाह पे इल्जाम लगाए। हमारा इतना चेतावनी के बावजूद वो लोग बाज नहीं आए, इसलिए हमें ये मुद्दा जो है वो पब्लिक करना पड़ा। बहुत बुरा लग रहा है। हसीना जी, क्या ये सत्य है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। तो फिर आप चीता को बेगुनाह प्रमाणित क्यों नहीं कर पा रही है? देखिए सर, दरअसल बात यह है कि नमन जो है वो मिष्टी का बेस्ट फ्रेंड है, वही है जो अमर प्रेमी भी है, वही है जो मिष्टी से बहुत प्यार भी करता है, लेकिन वो उस प्यार का इजहार नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो अपने गंजेपन को लेकर बहुत कॉन्शियस है। उसे लगता है इस वजह से मिष्टी उसे मना कर देगी। ही हैज़ अ फियर ऑफ रिजेक्शन, और हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम इसका करें क्या। बट डोंट वरी, वी आर वर्किंग ऑन इट। शांत हो जाइए प्लीज। कैसे रहे शांत हम? आप एक महिला होके एक महिला के साथ अन्याय कर रहे हैं। वैसे तो आप लोग हम औरतों को दूसरे मर्दों से बचाते हैं, लेकिन बात जब आपके स्टाफ मेंबर पे आई है तो आप उसे बचा रहे हैं। कैसा दोहरा मापदंड है ये? एमपीटी हाय हाय, गीता चतुर्वेदी हाय हाय, गीता चतुर्वेदी हाय हाय, एमपीटी चुप। संतू, मैडम सर को कॉल लगाओ, यहाँ पे मामला बहुत उलझ गया, जल्दी जल्दी बुलाओ। गीता चतुर्वेदी शांत हो जाइए। क्या बात कर रही हैं हसीना जी? माफ कीजिएगा, हम अभी आए। हसीना जी, नमन को गंजेपन की वजह से अस्वीकार होने से भय कैसा? किसी के अस्वीकार करने से जीवन रुक थोड़ी जाता है। ये आप कह रहे हैं? हाँ, क्यों? हम तो यही मानते हैं कि असफलता और अस्वीकृति दोनों को सकारात्मक भाव से देखना
आवश्यक है। जी सर, हम अच्छे से जानते हैं कि आप रिजेक्शन को कितना पॉजिटिवली लेते हैं। जी, हम समझे नहीं। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, हम मैडम सर को तुरंत लेकर आते हैं। ओहो, अब ये क्या नया बवाल हो गया। सर देखिए, हमने आपकी वीडियोस देखे। मर गए, हमने तो झूठ बोल के डीएसपी सर का सैड वीडियो बनाया था। पकड़े गए, लग गई अब तो पुष्पा सिंह। माफ कीजिए, आई नो कि आपका पर्सनल डिसीजन है, लेकिन इतने दुखी वीडियोस बनाने की क्या जरूरत थी? आप थोड़ी सी खुशनुमा हैप्पी वीडियोस भी तो बना सकते थे ना। हसीना जी, हम वही बनाने वाले थे, लेकिन लेकिन क्या, बहुत कोशिश करने के बाद भी प्रसन्न वीडियो नहीं बना पाए। तो फिर सर, आप ये कैसे कह सकते हैं कि रिजेक्शन को सकारात्मक तरीके से लेना चाहिए? आपको भी तो वही फॉलो करना पड़ेगा। देखिए सर, प्लीज हमारी बात मान लीजिए, अब आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, हम पूरा प्रयत्न करेंगे। गर्मी हो रही है। हाँ, वो मैडम सर, संतू का फोन आया था, हमें जल्द से जल्द हमारे थाने के लिए निकलना पड़ेगा। बहुत सारे लोग धरना देने के लिए आए पुलिस थाने में। क्या हसीना जी, ये मुद्दा काफी गंभीर होता जा रहा है, और आपके पास नमन की स्वीकृति लेने के लिए ज्यादा वक्त नहीं है। अब क्या करेंगी आप? हम कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे सर, हमें निकलना चाहिए। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद सर। पुष्पा जी, हमें निकलना पड़ेगा सर। पुष्पा जी, एक मिनट। हाँ जी सर। आपने हमारे संदर्भ में हसीना जी से क्या कहा है? क्या आप जानती हैं कि इसके लिए हम आपको सस्पेंड भी कर सकते हैं? अरे सर, हमने जो कुछ भी किया ना, आप दोनों के भले के लिए ही किया। हाँ मैया कसम, आप देखिएगा कुछ वक्त बाद आप हमें सस्पेंड नहीं, हमारा शुक्रिया अदा करेंगे। हाँ फिलहाल हमें निकलना पड़ेगा। जय हिंद सर। पुष्पा जी। जय हिंद सर। जय हिंद। मैम, आपने जनता का नहीं स्पेशली महिलाओं का भी भरोसा तोड़ा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? चीता चतुर्वेदी अमर प्रेमी है, ये बात आप क्यों छुपाना चाहती हैं? आप इस बात को एक्सेप्ट करने में क्यों झिझक रही हैं? जवाब दीजिए। हाँ, बताइए बताइए। हाँ, 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 बोलने तो दीजिए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। देखिए, हम आप सबसे माफी मांगना चाहते हैं और ये कबूल करना चाहते हैं कि चीता ही अमर प्रेमी है। मैडम सर, पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए। डीएसपी सर गब्बर की तरफ क्यों चल रहे हैं? पूछ के देखो ना, पूछ 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 पूछ। सर, पुष्पा जी आपसे कुछ पूछना चाहती है। हम? अरे हाँ, वो आप जिस तरह से चल रहे थे ना, तो हमें लगा बिल्कुल आप गब्बर की तरह चल रहे हैं, इसीलिए हमारे मन में ऐसा ख्याल आया कि ठाकुर के हाथ कटने से पहले उसको कैसा महसूस हुआ होगा, वैसा हमारे मन में ऐसे आ रहे थे हम। क्योंकि आज हम भी गब्बर वाले कार्य करने वाले हैं। आप दोनों को क्या लगा था
डीएसपी सर खुश होंगे, शाबाशी देंगे। आप दोनों ने हसीना जी से हमारे संदर्भ में जो भ्रम फैलाया है उसका दंड आप दोनों को मिलेगा। कुछ कर दो। वेरी बैड पुष्पा जी। सर आप मुझे दंड मत दीजिए, अब मैं तो बहुत ही प्यारी सी मासूम सी क्यूट सी बच्ची हूँ। अब ये जो सारा प्लान था ना, ये सारा आपकी बहन की सास यानी कि हमारी प्यारी पुष्पा जी उनका प्लान था। उन्होंने कहा कि ऐसा करेंगे तो फिर आपके मैडम से की सेटिंग हो जाएगी। अब क्यों है ना पुष्पा जी? झूठी बस। सर सर ये तुमको तो सर देख लेंगे तुमको। आप हमारी तरफ देखिए, देखिए ये ना संतू बहुत, इसके भोले भाले चेहरे की तरफ मत देखिए आप। एक अकेला चीता ही है जिसे ये मासूम लगती है, वरना ये जो खतरनाक आइडिया है ना ये इसी के मासूम दिमाग से आया है। हाँ हम आप दोनों को अभी और इसी वक्त निलंबित करते हैं। अरे सर सर आप यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं? ये हमने जो कुछ भी किया ना आपके भले के लिए ही किया। कैसे पुष्पा जी, हसीना जी की दृष्टि में हमें कमजोर पियक्कड़ और देवदास प्रमाणित करके? देखिए सर क्या है ना, ये सब हमने इसलिए किया क्योंकि मैडम सर जब आपका ये वीडियो देखेंगे ना तो उनके मन में आपके लिए प्यार जागृत हो जाएगा। आपको इस हालत में वो देख नहीं पाएंगे, फिर भाग कर आएंगी आपके पास और आपके गले लग जाएंगी। हाँ बस थोड़ा सब्र रखिए। कुछ नहीं प्राप्त होगा पुष्पा जी आपके इन व्यर्थ योजनाओं से, हम स्त्रियों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। सर ये मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में कह रहे हैं कि आप स्त्रियों को जानते हैं, क्योंकि आज तक भगवान भी नहीं जान पाए। सर देखिए आपको क्या कह रही है, ओवर कॉन्फिडेंस? नहीं सर वो मैं ऐसे कह रही थी कि स्त्रियों को आप स्त्रियों से भी ज्यादा अच्छे से जानते हैं, ऐसे आ रही थी मैं। कांस्टेबल संतोष शर्मा। हाँ सर। लगता है कि आपकी योजना काम कर रही है। अच्छा थैंक यू सर। हसीना जी का मैसेज आया है, लगता है अब हमें आप दोनों की आवश्यकता पड़ेगी। देखा देखा हमने कहा था ना संतू ये आइडिया जरूर काम करेगा, देखो कर गया ना काम। क्या बात है चीटर चतुर्वेदी, मेरा मतलब है कि चीता चतुर्वेदी, अब तो तुम्हारी मैडम भी मान गई है कि तू ही अमर प्रेमी है। लड़की को धोखा देने के जुर्म में दफा 240 लगाऊंगा। पता है सर आपको इसे देखकर लगता था ना कि आप अपने मेहनत से नहीं जुगाड़बाजी से नौकरी पाए होंगे, कसम से आज क्लियर हो गया कि आप उसी से पाए हैं नौकरी। वाह क्या बात है भाई, एकदम सही बोले तुम। का मतलब हरे तोहरा? नहीं कहने का तात्पर्य ये है कि धोखाधड़ी के केस में 420 का दफा लगता है ना, 240 बता रहे, बताइए इतना नहीं पता इनको। अनपढ़ जाहिल गवार इतने साल से पुलिस का वर्दी पहन रहा है और तुमको दफा तक नहीं पता है, निकल जा मेरी नजरों से, दफा हो जाओ। क्या कह रहे हैं सर? ऐसा ई कह रहा है सर, आप हम ही पे काय हमेशा चढ़ने लगते हैं, बताइए कोई मतलब है? जब देखे तब आप हम। ठीक है सारी 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 कहते हैं ठीक। मिस्टर बुलबुल पांडे। मैडम सर। हसीना जी क्या बात है, मतलब मीडिया का थोड़ा सा प्रेशर कहाँ आ गया, आप तो एकदम सेल्फिश हो गई, अपने साथी को बीच मझधार में छोड़ दिया आपने। नहीं मिस्टर बुलबुल पांडे, चीता चतुर्वेदी हमारे लिए फैमिली जैसा है और हम अपनी फैमिली को कभी अकेला नहीं छोड़ते, इनफैक्ट अभी हम यहाँ इसे छुड़वाने के लिए आया है। छुड़वाने? अरे ये तो हो ही नहीं सकता, अभी तो इसके नाम का चार्जशीट बनेगा, कोर्ट में पेशगी होगा, सुनवाई होगा, कम से कम 2 साल का सजा होगा भाई। 2 साल? 2 साल तो बहुत ज्यादा है, हमें लगता है कि 2 मिनट में हम इसे यहाँ से छुड़वा लेंगे। क्या कह रही है आप ना, मतलब पुलिस का नौकरी छोड़ के ज्योतिष ज्योतिष बन गई है क्या? पुलिस की नौकरी हमने छोड़ने के लिए ज्वाइन की ही नहीं थी। हाँ लेकिन आपकी नौकरी पर खतरा जरूर है।
करिश्मा सिंह, मिस्टी तुम यहाँ क्या कर रही हो? मिस्टी यहाँ चीता के खिलाफ अपना केस वापस लेने आई है। अरे ऐसे कैसे वो केस वापस लेगी भाई? शांति रखिए, हम बता रहे हैं। वो ऐसे कि चीता चतुर्वेदी के खिलाफ इन्होंने केस क्या लिखवाया था कि इन्होंने उसे धोखा दिया है, तो अब ये चीता को एक मौका देना चाहती हैं अपनी गलती को सुधारने का, उससे शादी करके। हाँ हाँ मैडम सर, मिस्टी तुम यहाँ क्या कर रही हो? मिस्टी यहाँ चीता के खिलाफ अपना केस वापस लेने आई है। अरे ऐसे कैसे वो केस वापस लेगी भाई? शांति रखिए, हम बता रहे हैं। वो ऐसे कि चीता चतुर्वेदी के खिलाफ इन्होंने केस क्या लिखवाया था कि इन्होंने उसे धोखा दिया है, तो अब ये चीता को एक मौका देना चाहती हैं अपनी गलती को सुधारने का, उससे शादी करके। हाँ हाँ मैडम सर, लेकिन हम तो मिस्टर चीता चतुर्वेदी, बताइए क्या आप मिस्टी से शादी करके अपनी गलती सुधारना चाहते हैं? ना बोल दे भाई, ना बोल दे, भाभी जी का क्या होगा? ना बोल दे, एक मिनट यार। अमर प्रेमी, दिल मेरा सुनने को बेकरार है, कहो ना प्यार है। हाँ हाँ मिस्टी जी हाँ, अब क्या करें, गलती हो गया तो सुधारना तो पड़ेगा ना। तैयार है मिस्त्री जी से ब्याह करने के लिए। हाय, मिल गए साजन, मिल गए, मिल गए। आज तो हमारे पैर, मेरे तो पैर जमीन पर ही नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं हवाओं में झूम रही हूँ। मिस्टी मिस्टी रिलैक्स, पहले उन्हें बाहर निकलवाइए। सॉरी बुलबुल जी, सॉरी, थैंक यू सो मच, आपने मुझे मेरे अमर प्रेमी से मिलवा दिया, थैंक यू। नहीं कहा तुम्हारे कान नींद का गोली लेके सो रहे हैं? कहा ना चीते को बाहर निकालिए, तू निकालिए। हम निकालते हैं, हम निकालते हैं। खोल बाबू खोल, रुको। अमर प्रेमी, मैं ना आज ही जाकर अपनी फैमिली में बता दूंगी आपके बारे में, और कल हम लोग सगाई कर लेंगे, है ना? कैसा आइडिया है? चलो चलो मैं चलती हूँ, मुझे बहुत सारा काम करना है, लोगों को इनविटेशन भी देने, सारे दोस्तों को बुलाना है, मुझे तैयार भी होना है, पार्लर जाना है। चलो बाय। हमारी जिंदगी में कहे पुदीना बोदी। अब सीता रिलैक्स, हम तुम्हें सब कुछ बाद में आराम से समझाएंगे, ठीक है? चुप हो जाओ। ओके मिस्टर बुलबुल पांडे, जरा अपनी घड़ी में चेक करिए कि 2 मिनट पूरे हो गए या अब भी कोई सेकंड बाकी है। ओ, आज हम भी घड़ी पहनना भूल गए। हमारे पास है ना सर, 5 सेकंड बाकी है। चुप भाई। वाह बुलबुल जी, क्या कि शादी में तो आप जरूर आइएगा और ऐसे हाथ जोड़ के स्वागत कीजिएगा। क्या है कि हम लड़के वाले ठहरे हैं, थोड़ा भी नाराज हो गए ना तो बवाल कर देंगे। चले वाह, क्या कमाल की बेइज्जती हुई है आपकी, एकदम स्वाद आ गया। सर ऐसा आप कहते हमारे बारे में? अरे हम कुछ नहीं कहता, चुप हो क्या करो। मैडम सर, कल हमारा सगाई किसी और के साथ हो जाएगा,
लेकिन आप तो जानती है ना कि हम अपने दिल में किसी और का सपना सजाए बैठे हुए हैं। अरे हम तो गलती से भी संतू जी के अलावा, इससे तो बढ़िया था कि हम वही लॉकअप में बंद थे, वही लॉकअप में घुस घुस के जान दे देंगे, हम वहीं जा रहे हैं मैडम। अरे रुक रुक, कैसे पुलिस में भर्ती होगी तुम? रिलैक्स चीता चतुर्वेदी, कुछ नहीं होगा। जैसे ही नमन को पता चलेगा कि तुम्हारी और मिष्टी की सगाई हो रही है, वो गुस्से में आकर मिष्टी को सब कुछ सच सच बता देगा, ठीक है? पक्का ना मैडम सर, ऐसा ही होगा ना? अमा का टोपा आदमी हो तुम। हाँ? एक बार नमन की जगह खुद को रख के देखो। नहीं तुम संतू से प्यार करते हो ना, अगर संतू किसी और की हो जाती तो तुम क्या हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते या कुछ जुगाड़ करते? नो मैडम सर, नेवर, हमने उसको हाथ तोड़ दिया। सॉरी बिल्लू, क्या कर रहा है? पप्पी करेगा अभी। नमन आ रहा है। नमन आ रहा है, सब लोग तैयार रहिए, हो सकता है वो पहले से गुस्से में हो, इसलिए प्लीज सोच समझ कर ठंडे दिमाग से रिएक्ट करिए। ओके, नमन आ रहा है, नमन करेंगे। ए बिल्ले, शाम शाम। नमस्ते, हमको मिष्टी ने बताया कि कल आप सगाई कर रहे हैं, क्या आप सच में प्यार करते हैं उनसे? अब क्या 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 बताएं हम? अब जो पूछ रहे हैं वो बताइए। अगर तो हाँ हाँ करते हैं तो कोई प्रॉब्लम है आपको? सगाई के चक्कर में हम शहीद हो जाएंगे, बिलेटे बचाओ। अरे मैं क्या बचाऊं, तुम डरो मत, मैं डरा हुआ हूं। क्या क्या फैंटम बने फिर रहे हो तुम? क्या चीता की चीता सजा दोगे आज यहां पे? हां अरे आप लोग तो फालतू में घबरा रहे हैं, हम ये तलवार चीता जी को देने आए थे। क्या मतलब ये कि हमारी जो मिस्ट्री है वो राजपूत खानदान से, उनके परिवार की परंपरा है कि जब भी दूल्हा सगाई में आता है तो ये तलवार लेकर आता है, तो जब भी आप आइएगा तो इसे लेकर आइएगा। वो लोग बिजी थे तो मुझे आना पड़ा। क्या टोपा होगा तुम? हाँ, वैलेंटाइन का सपना देख रहे हो और रक्षाबंधन जैसा बिहेव कर रहे हो। कोई और होता ना तुम्हारी जगह तो चीता को अभी तक चीर चुका होता। हमको अच्छे से पता था कि एक दिन यही होगा, मिष्टी हमको छोड़कर चली जाएगी। चीता जी बहुत अच्छे लड़के हैं और हम मिष्टी के लिए बहुत खुश हैं। ये लीजिए मैडम। नहीं एक मिनट, तुम मिष्टी को सच क्यों नहीं बता रहे हो? इसका कारण हमारे माथे पर साफ साफ चमक रहा है मैडम, हमारा गंजापन। प्यार खो चुके हैं हम, अब ये सच बताकर हम अपनी दोस्ती नहीं खोना चाहते हैं। नमन स्टॉप बीइंग अ विक्टिम, तुम कोई अकेले इंसान नहीं हो इस पूरी दुनिया में जिसके सर पे बाल नहीं है, हजारों लाखों लोग हैं, उन सब ने क्या अपनी जिंदगी जीना छोड़ दिया है? तुम खुद से जब तक प्यार नहीं करोगे तब तक किसी और से प्यार करने की उम्मीद कैसे कर सकते हो? एक्सेप्ट योरसेल्फ। कहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम, हमारे नसीब में जीवन साथी का प्यार नहीं है, गंजापन लिखा हुआ है। हमारी मिस्ट्री आपकी होने वाली है, उनका ख्याल रखिए जी। ये लीजिए। और हाँ, कभी भी उनको धोखा देने के बारे में सोचिएगा नहीं, ना ये तलवार है ना, तो तलवार देकर चला गया। अब काम को सचमुच में मिस्टी के साथ सगाई करना पड़ेगा। मैडम सर ये प्लान तो फ्लॉप हो गया, उल्टा पड़ गया, मुंह के बल गिर गया है हमारा प्लान, अब कुछ और सोचना पड़ेगा। हमको एक आइडिया आ रहा है। कहा मैडम, कहा बोलिए। आपको आइडिया आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, और वो भी मेरी तरफ देखकर आ रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे लोहे लोहे को काटता है ना, अब वैसी टकला टकले को काटेगा। आज
बिल्लू द स्पाई अपनी प्यार की दुख भरी कहानी सुनाएगा। मैं बिल्ले यार, तुम क्या दुख भरी कहानी सुना रहे हो? तुम भी हो। अरे वो वैसे ही दुखी है, तुम और दुखी कर दोगे उनको। सुनाने दीजिए मैडम जी, शायद इनके दिल का बोझ हल्का हो जाए। What? हल्की बात की है, नमन करे फिर भी नमन सुन लेना। तुम्हारी तरह मेरी भी जवानी में मेरे बाल मुझे अलविदा कह चुके थे मेरे दोस्त। लेकिन एक दिन मेरी जिंदगी में ऐसा आया कि मेरी जिंदगी बदल गई। कब? जब हमारे मोहल्ले में जूली आई। क्या खूबसूरती थी उसकी। एक दिन मैं उसके पीछे 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 गया और दो घूंट लगाया और उसको रास्ते में रोका। उसके तरफ देखा, गुलाब का फूल फेंका, उसके नजरों में मुझे हाँ दिखा, वो मुझे हाँ बोली है ना। उसने हाँ कह दिया? हाँ, फिर वो मेरे दोस्त बन गए। फिर हमारी दोस्ती इतनी बड़ी कि हम दोस्ती में खो गए, प्यार हो गया। फिर काफी वक्त हम ऐसे बैठकर पीते थे। क्या पीते थे? पॉइंट पे आप। पॉइंट यही है कि कॉन्फिडेंस ही सब कुछ है। न मन करे फिर भी दो पेग लगा और मिस्ट्री को प्रपोज कर। लोग तुम दोनों जोड़ी को बुलाएंगे नाश्ते। I love you, बिल्लू जी। हम करेंगे, हम मिस्टी को प्रपोज करेंगे, वो भी आज। ये मुझे चुभी। वाह बिल्ले, का काम कियो तुम। बहुत बढ़िया। ए मेरा एक थी। ए भाग, हो गया अभी। ठीक है मैडम, बैठे बैठ के पीछे ना बैठ के बात करते हैं। एक बार बिल्लू जी। हाँ। वो आपने बताया नहीं, वो जूली का क्या हुआ? वो कहाँ है अभी? जूली को 4 बच्चे हो गए। अरे वाह, सच में? हाँ सच में हो गए, झूठ में थोड़ी होंगी। बस वो मेरे से नहीं, किसी और से हुए। लेकिन अभी आपने तो कहा था हमको कि जूली आपसे बहुत प्यार करती थी। झूठ, मैं खुद को बहला रहा था। मैंने जब जूली को प्रपोज किया तो जूली ने कहा, अबे काले गंजे, अरे तेरी जरूरत कैसी हुई मुझ जैसे एटीट्यूड वाली लड़की को प्रपोज करने की। मतलब अभी तक आपने जो कुछ भी कहा वो सब झूठ बोला हमसे? नहीं ऐसा नहीं है। झूठ बोला मैडम, झूठ बोला। अच्छा हुआ हमने मिस्टी को प्रपोज नहीं किया, नहीं तो आपकी तरह हमको भी थप्पड़ पड़ जाता। पूरा नशा उतार दिया हमारा। चला गया, हम पी लेते हैं। से वेट कर रहे, कहा थी तू? वो मैं रिंग लिए निकली गई थी, बिल्लू जी का कॉल आया था कि रिंग ले लूं मैं। भी है रिंग। हाँ, रिंग चीते को दो, जल्दी जाके जाओ। जाओ जाओ मैडम, अंदर जाना मैडम। करिश्मा सिंह जी, सारी तैयारी हो गई? जी मैडम, से तैयारियां तो सारी हो गई है, लेकिन आपको लगता है कि ये प्लान काम आएगा? पता नहीं, उम्मीद तो ऐसी है, बट आई एम नॉट श्योर। एक सेकंड, लेकिन चीता है कहाँ? Thank you.
चीते अरे चीते यहाँ क्यों बैठा, तेरी सगाई है, चल तेरी रेडी होना तो नहीं है। संतो जी इतना ज्यादा मतलब होलसेल में आप ब्यूटी कहाँ से लेकर आती है? हो गया चीते तेरी रिंग। हाँ रिंग दीजिए ना संतो जी, कब बात करी आई है? हाँ चीती मिष्टी के लिए। मैडम सर तो बोली थी ना संतू जी कि रिंग सेरेमनी से पहले जो नमन है अपना गलती कन्फेस कर लेगा, रिंग सेरेमनी तक का नौबत आएगा ही नहीं, फिर क्या हुआ हमको समझ में नहीं आ रहा संतू जी। तू टेंशन मत ले चीते, जैसा मैडम सर ने कहा है बिल्कुल वैसा ही होगा। संतू जी अगर वैसा नहीं हुआ तो इस चीते को मिष्टी को रिंग पहनानी पड़ेगी, अगर ये भी नहीं हुआ तो नमन की तलवार तो याद है। बिलोटे भी। चीते तू रेडी हो जा, मिष्टी आती होगी। लेकिन आप गजब रेडी हुई है संतू जी, गजब लग रही है संतू जी। चीते मेरी इतनी अच्छी दोस्त की सगाई है, मैं रेडी ना हूँ अच्छे से? चल तू फटाफट रेडी हो, ठीक है? लड़की वाले आ गए। आई 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 आई। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वो क्या है ये सब इतना जल्दबाजी में तय हुआ ना, तो इसलिए चीते के परिवार की तरफ से कोई आ नहीं पाया। वैसे हम सब भी चीते के परिवार की तरह ही। आइए ना आइए ना आइए आइए आइए। चलो चल आजा बेटा आइए आजा। चलो अब रिंग पहनाओ। जी चचा जी दीजिए। मिस्त्री जी क्या है कि इससे पहले आप हमको अंगूठी पहनाएं और हम आपके से पति बन जाएं, आप हमारी धर्म पत्नी बन जाएं, एक बात है सच्चा बात जो हम आपको बताना चाहते हैं, हमने आपसे झूठ बोले हैं। सजन रे झूठ मत बोलो। वैसे क्या झूठ बोला था आपने मुझसे? हम ही झूठ अब बताएं क्या, दिखाई देते हैं। यही हमारा सच्चाई है कि हम टकला हैं, हमारे सर पे एक भी बाल नहीं है। इससे पहले जो बाल देखी थी ना आपको, हम वीक पहनते थे, तो हम ये पूछना चाह रहे हैं कि अभी भी आप हमारे साथ सगाई करना चाहेंगी? मैंने अमर प्रेमी से प्यार किया है, उसके बाल उसके कद उसके रंग रूप से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पहले भी अमर प्रेमी से शादी करना चाहती थी और आज भी। चलो अब तो रिंग पहनाओ। क्या हुआ नमन? का भैया क्या हो गया? मिस्त्री जी आपको अमर प्रेमी के गंजेपन से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। बाल नहीं होना ये भी कोई वजह है जिससे मुझे फर्क पड़े? बालों का क्या है, बाल तो आज है कल नहीं है। लेकिन प्यार प्यार हमेशा एवरग्रीन रहता है, मुझे इन सब बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता।
क्या बात है नमन, जब मिष्टी को इसके गंजेपन से कोई तकलीफ नहीं है तो तुम्हें क्या दिक्कत है? हाँ चलो अब तो अंगूठी पहनाओ। गीता रुक जाओ, अगर ये रिंग तुमने मिष्टी को पहनाई ना तो इस तलवार से तुम्हें चीर के रख देंगे हम। चलो देर से ही सही, इसका दिमाग का पत्ती लाल से हरा तो हुआ, कॉन्फिडेंस तो है फाइनली। क्या हुआ नमन, क्यों रोका हमें अमर प्रेमी को रिंग पहनाने से? क्योंकि चीता असली अमर प्रेमी नहीं है, हमें बोला मिस्टी, हम तुम्हें बचपन से बहुत प्यार करते थे और करते हैं, लेकिन अपने गंजेपन की वजह से हम तुमसे कभी कह नहीं पाए, क्योंकि हम हमेशा अपने आप को ही जज करते रहे। मैडम सर आप सही कह रही थी कि जब तक हम अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना तब तक हमें भी कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। और मिस्टी हमने आज अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया है। हम बस आपसे इतना पूछना चाहते हैं कि क्या आप हमारी जीवन साथी बनकर हमेशा हमारे साथ रह सकती? बोलो मिस्टी। यस यस। मैडम सर जैसा आपने कहा था वैसा ही हुआ। मैडम सर मिस्टी जी क्या कह रही है, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम समझाते हैं नमन, ये सब हमारा प्लान ही था। हमने कल रात को ही मिष्टी को सारा प्लान समझा दिया था, उसे सच बता दिया था कि तुम ही हो असली अमर प्रेमी। और जानते हो ये बात सुनकर वो बहुत खुश हुई, इतनी खुश हुई कि कल ही तुमसे बात करना चाहती थी। लेकिन हम चाहते थे कि तुम पूरे आत्मविश्वास के साथ खुद को इसके काबिल समझकर अपना सच खुद बताओ, और देखो वही हुआ। प्यार में छोटी मोटी खामियां नहीं देखी जाती मिस्टर अमर प्रेमी। और एक बात, चीता गंजा नहीं है। हाँ ये जमीन बंजर नहीं है, हरी भरी है, हरा भरा कबाब। दिखा दिखा दिखा। नमन मिस्टी बिल्कुल ठीक कह रही थी, बाल कद काठी रंग रूप ये सब सिर्फ बाहरी आवरण है, एक न एक दिन ढल जाएंगे, बचेगा सिर्फ दिल। इसलिए किसी भी इंसान को समझने के लिए पहले उसके दिल को समझिए, क्योंकि अंत तक तो वही टिका रहेगा ना। प्लीज डोंट मन मैडम जी, आज अगर आप सभी नहीं होते ना तो हमको तो पता ही नहीं चल पाता कि हमसे भी कोई प्यार कर सकता। चलो चलो आप तो अंगूठी पहनाओ। अमर प्रेमी जी लीजिए पहना दीजिए। और आप सभी के लिए